सबसे मजबूत तंत्र कौन सा है देश में? तो कह रही आरएसएस। कुछ तो है उनके अंदर कि हमें यहाँ उनकी बात करनी पड़ रही है, हमारे हर एक व्यक्ति को बात करनी पड़ती, कुछ तो है। नकारा लोग नहीं है वो, धन से मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बार बार तुम्हारे लिए प्रयास करेंगे, लोग तुम्हारी मदद करें। चीजों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें समझाया था। 100 सवाल होंगे, जवाब तुम्हारा एक ही होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊं। अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि आप में अपना भरोसा, अपने अंदर भरोसा आ जाए। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे जो इस देश में हमारा बैठता है। तो सोशल रेगुलेशन के साथ इकोनॉमिक रेगुलेशन भी जरूरी है। सोचिए, हम पैसा तो कमाएं और देते रहे उनको, तो जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी बड़ी बहन कह रही थी यार अरुणधति जी की, सबसे मजबूत तंत्र कौन सा है देश में? तो कह रही आरएसएस। मैं एक मिनट गौर फरमाना चाहता हूं, कुछ तो है उनके अंदर कि हमें यहां उनकी बात करनी पड़ रही है, हमारे हर एक व्यक्ति को बात करनी पड़ती, कुछ तो है। नकारा लोग नहीं है वो, समर्पण है उनके अंदर जो हमारे लोगों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसा समर्पण जो अड़िग है, जो सिर्फ उद्देश्य देखता है। अगर उद्देश्य नहीं देखता तो नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा के नहीं लाता, उससे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे यहां, एक से एक तुर्रमबाज बैठे हुए थे, लेकिन वो वहां से उठा के लाया क्योंकि वो अपना उद्देश्य देख रहे थे कि हमें सत्ता कैसे प्राप्त करें।